कई आईएएस अधिकारियों का झारखंड में तबादला हुआ है। नितिन मदन कुलकर्णी कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। मस्तराम मीना को पेयजल और स्वच्छता विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। सुनील कुमार को नगर विकास और आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अमिताभ कौशल को सचिव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। मनीष रंजन को एटीआई निदेशक बनाया गया है। राजेश कुमार शर्मा को सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अबू बकर सिद्दकी को सचिव वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी मिली है। विप्रा भाल को राज्यपाल के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी मिली है। अरवा राज कमल को सचिव भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अमित कुमार को वाणिज्य कर आयुक्त बनाया गया है। मंजूनाथ भजंत्री को सीईओ जेएसपीएसएल के साथ साथ मनरेगा आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। संदीप सिंह को नगर आयुक्त रांची का बनाया गया है। शैलेंद्र लाल को सीईओ झारखंड कौशल मिशन सोसाइटी बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कह सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, कई का विभाग बदला गया है, कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार की भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, विधानसभा चुनाव झारखंड में होने हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेल, इसे हम बड़ा प्रशासनिक फेर बदल इसे हम कह सकते हैं, जिस तरीके से कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है गया है, कई आईएएस अधिकारियों का विभाग बदला गया है, कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार की भी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि झारखंड में आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अगर मुख्य रूप से आप देखें तो जो राज्यपाल के सचिव थे नितिन मदन कुलकर्णी, उनको जो है अब कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का जिम्मेदारी दिया गया है। मस्तराम मीना को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुनील कुमार को नगर विकास और आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अमिताभ कौशल को सचिव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। मनीष रंजन को निदेशक एटीआई बनाया गया है। राजेश कुमार शर्मा को सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अबू बकर सिद्दीकी को सचिव वन एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी मिली है। विप्रा भाल को अब राज्यपाल का सचिव बनाया गया है। तो वहीं अगर आप मंजूनाथ भजंत्री की बात करें तो उनको सीईओ जेएसपीएसएल के साथ साथ मनरेगा आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। और अरवा राजकमल को सचिव भवन विभाग का जिम्मेदारी मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दर्जनों आईएएस अधिकारियों का जो है एक तरह से फिर यहाँ से वहां फेरबदल किया गया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़े पैमाने पर एक तरह से कहें तो आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद ये बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, कई को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास, सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।